नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। उभरते सुरक्षा परिदृश्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सैन्य कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन कल से शुरू होगा। G7 पर्यावरण मंत्री वाहनों से उत्सर्जन कम करने के लिए सहमत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। प्रयागराज में कल गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद ये बैठक हुई। पुलिस महानिदेशक और कानून व्यवस्था संबंधी विशेष महानिदेशक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। हत्या के संबंध में गिरफ्तार सभी तीनों आरोपियों को आज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत ने तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है, किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। इस बीच डॉक्टरों के एक दल ने अतीक और उसके भाई अशरफ का पोस्टमार्टम किया। प्रशासन ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई। पुलिस राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी कर रही है और वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। प्रयागराज के चकिया, बेनीगंज और धूमनगंज तथा आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में ये पूछताछ हुई। एक रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल दिन में 11 बजे सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इससे पहले सीबीआई ने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में पूछताछ के लिए श्री केजरीवाल को सम्मन भेजा था। आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप के बीच बाद में ये नीति रद्द कर दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस नीति में अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद पिछले वर्ष इसकी जांच शुरू हुई। सीबीआई ने नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के आरोप में इस मामले में 15 आरोपियों के नाम प्राथमिकी दर्ज की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है। उन्हें इस वर्ष फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। इस वर्ष का सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन में उभरते सुरक्षा परिदृश्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सेना कमांडरों का यह सम्मेलन साल में दो बार आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। पांच दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में सेना में किए जा रहे सुधारों के अलावा विशेष रूप से अग्निपथ योजना और डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो पहली बार हाइब्रिड मोड में हो रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। G7 देशों के पर्यावरण मंत्री वाहनों से उत्सर्जन कम करने पर सहमत हो गए हैं। जापान के सापोरो में जलवायु और ऊर्जा मुद्दों पर दो दिन के सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त बयान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को वर्ष 2035 तक वर्ष 2000 के स्तर से 50% कम करने पर सहमति बनी है। ऑटोमोबाइल से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए G7 देश प्रत्येक वर्ष अपनी प्रगति की जांच करेंगे। समझौते में सदस्य देशों से हाइब्रिड सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के जरिए उत्सर्जन कम करने का आह्वान किया गया है। 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने का नया लक्ष्य भी तय किया गया है। G20 की भारत की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक कल से गोवा में शुरू होगी। तीन दिन की बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राष्ट्रों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्व भूमिका के बारे में जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारियां और कार्यवाही, औषध क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करना, सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों को सुगम और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत हेल्थ ट्रैक में स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की 4 बैठकें और स्वास्थ्य मंत्रियों के स्तर की 1 बैठक होगी। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक कल से हैदराबाद में 3 दिन तक होगी। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा तथा संचार सचिव के राजा रमन ने हैदराबाद में बताया कि बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल, साइबर सुरक्षा और डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। श्री अल्केश शर्मा ने बताया कि बैठक में भारत डिजिटल सार्वजनिक ढांचों और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में अपने अनुभव साझा करेगा। 3 main issues which we have taken up as priorities which we will discuss with G20 countries. One is on digital public infrastructure. How do we promote our and showcase our digital public platforms? Second priority will be on cyber security for small and medium enterprises, for our youth, for our women and elderly, so that they don't get affected or cheated by cyber security frauds. And third will be on digital skilling. Our objective is that nobody should be digitally illiterate. प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कल से वाराणसी में आरंभ होगी। 3 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ हिमांशु पाठक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि G20 से संबंधित ये 100वीं बैठक होगी। इस कार्यक्रम में जिसका हमने समाहित किया है वो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को समाहित किया है। इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें देश के और विदेश से भी माने जाने वैज्ञानिक गण इसमें भाग लेंगे। और 3 दिन का चर्चा के बाद हमें बिल्कुल आशा है कि भारत के नेतृत्व में ये जो G20 की इस बार की मीटिंग हो रही है वो बहुत ही सफल रहेगा। बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि, सरकारी निजी साझेदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि आज सुबह श्री ब्लिंकन के साथ सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के कस्बा कुष्ठिया में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने नए वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया। उच्चायोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस केंद्र के खुल जाने से पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जनभागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 66वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों एवं सरकारी तंत्र के बीच आपसी भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी और तो और, लेकिन इसी दौरान देश के लोग का पारंपरिक रूप भी दिखा। हर मुमकिन मदद के लिए करोड़ों हाथ सामने आ गए, जिसकी वजह से विशेषकर कमजोर तबके के लोगों की परेशानियां कम हुई, भूखे लोगों को भोजन मिला। प्रधानमंत्री ने इस लोक भागीदारी को मन की बात में विशेष रूप से याद किया। 28 जून 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जन भागीदारी। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 9:15 बजे समाचार संध्या में। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा में फ्रामागुड़ी के निकट जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री ने कहा कि केवल भाजपा ही विकास की राजनीति करती है। गोवा के बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्भवती महिलाओं की योजना, ये सब मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए का आयोजन गोवा सरकार ने इतने छोटे से प्रदेश में किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू चल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और पड़ोसी मध्य प्रदेश तथा पूर्वी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 14 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे मैच में इस समय अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। उभरते सुरक्षा परिदृश्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सैन्य कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन कल से शुरू होगा। G7 पर्यावरण मंत्री वाहनों से उत्सर्जन कम करने के लिए सहमत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।